अरे फिर किसी की जिंदगी में ना हीरो की गुंजाइश नहीं है, वो सबके सामने वो मासूम बन गया। मैंने तो चक था, मैंने तो बेटा कहा पूरे प्रोग्राम, बेटा प्यारे बच्चे काकी चुन्नी, उसके वालिद साहब जो है वो बड़े फैन हैं इमरान खान के, बिल्कुल जो है वो हाजरा खान के वालिद साहब की तरह। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कह रहे हमारा तलक नहीं है, शबाज भी उसकी चुकी से तलक नहीं, जो नवे चेयरमैन साहब आया उन्होंने नाते भी लॉबियस पर हायर हो गए, उन्होंने गरीब के बच्चे को पता नहीं होना। उनका ट्विटर अकाउंट जो था वो आजकल धड़ाधड़ बंदे ब्लॉक कर रहा है, जो रेड लाइन है वो भी पड़ी पड़ी नीली पीली हो गई है जेल के अंदर, और ये जो इनकलाब है ये आने से पहले ही खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टू डू विद अस्मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ, और अभी तक हम ऑफिस में हैं और आपको पता है कि कल इंतखाबी शेड्यूल भी आ गया है, और 20 से 22 दिसंबर तक जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो फाइल करने हैं, और PMLN तो वाहिद वो पार्टी है जो वाकई सीरियसली इलेक्शन की तैयारी कर रही थी। बाकी भगौड़े आपने देखे हैं कि एक तरफ वो मकबूल बहुत हैं, एक तरफ जो है वो उनकी मकबूलियत जो है वो छप्पड़ फाड़ रही है, उन्होंने इलेक्शन स्वीप कर लेना है, दूसरी तरफ हालत यह है कि ना कोई उद्देदार बचा है ना कोई टिकट होल्डर बचा है, और इसीलिए वो इलेक्शन से भाग रहे थे। और मैं आपको बताऊं, इमरान खान एक ऐसा शख्स है कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि उसका तो मोटो ये है, या मैं या क़यामत, यानी अगर वो वज़ीर आज़म है तो पार्लियामेंट चलनी चाहिए, अगर वो पार्टी का चेयरमैन है तो पार्टी रहनी चाहिए, और अगर वो इलेक्शन में है तो इलेक्शन होने चाहिए, वरना बेशक ना हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी इसने जो साजिश की है इलेक्शंस को पोस्टपोन कराने की, इसके अंदर मज़े की बात यह है कि जो सुनने में आ रहा है कि अब वो मुकर गया है, ठीक है। एक तो ये मैंने कल भी बताया था कि उसने ना बंदे रखे हुए हैं कड़े कड़े ने कड़ा कड़ा काम करना है। अब ये जो उमैर न्याजी टाइप लोग हैं जो बेचारे इस कल्ट फॉलोइंग का शिकार हैं और उसके हाथों इस्तेमाल होते हैं, उसमें उमैर न्याजी को कल्ला कान में फूंक दिया, जाके ना ये कर दो, ताकि पूरी दुनिया को पूरी पार्टी को ना पते। और इसका एक दूसरी किस्त भी आई है, और वो दूसरी किस्त क्या आई है मैं आगे जाके इसको वो भी बताती हूँ, लेकिन इसके ऊपर जो है वो पूरी पार्टी के सामने वो जो है वो आज जेल में मुलाकात थी, सबके सामने वो मासूम बन गया। उन्होंने मैं तो चाहता हूँ इलेक्शन होने चाहिए, उनके सारे वकील आप निकाल के देख लें जो जो आज बाहर आ रहा है, नहीं वो साजिश हो गई है, हम तो इलेक्शन कराना चाहते हैं। इन्होंने खिलाफ ना आदमी ने साजिश हो दी, करतूत इनके अपने साजिश इनके खिलाफ जो है वो एक गाना नहीं है वो क्या है कि साजिश करती है सारी जमाना इनके खिलाफ साजिश कर रहा होता है, गाना पड़ा इनके डासी में मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा, और वो आपको पता ना इसका ये मामला है, तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारा उसकी आज की कार्रवाई, फिर जो किस्त नंबर 2 है इस साजिश की उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी, और एंड पे एक बहुत मज़े की एक अस्टोरी आई है मेरे पास, तो वो अस्टोरी भी मैंने आपको ज़रूर बतानी है, लेकिन पहले हम शुरू करेंगे। आज 16 दिसंबर है, और 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख में कभी भूला नहीं जा सकता, लेकिन अल्लाह पाक की अजीब काम है कि पहले ये पाकिस्तान के 2 लख्त होने की वजह से नहीं भूला जा सकता था, उसके ऊपर APS भी हो गया, और वो APS एक ऐसा ज़ख़म है पाकिस्तानियों के उसके ऊपर के जिससे शायद ही कोई बाहर निकल सका हो आज तक। तो लेकिन ये है कि हमें आज के दिन ये सबको अक्रॉस द बोर्ड सोचना समझना चाहिए कि हमने ऐसी कौन सी गलतियां की हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान 2 टुकड़े भी हुआ, और हमें उसको दुरुस्त करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि दहशतगर्दी की वो जंग जिसके अंदर हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे फ़ौजी, हमारे सिविलियंस, पुलिस वाले, ये सब जो शहीद होते हैं, तो हमें किसी भी तरह जो भी दहशतगर्द है उसको दहशतगर्द कहना चाहिए, उसको उसका मुहासबा करना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए कि जहां पर पाकिस्तान को दोबारा ऐसा कोई दुख जो है वो देखने में ना मिले। उसके बाद आज पहले जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, आज भावलपुर डिवीज़न की जो है वो बारी थी, और उसके अंदर लंबी चौड़ी मीटिंग रही जो हमेशा से एक वो है, और हम अब तो लेकिन स्केड्यूल आने के बाद पार्टी की जो एक्टिविटीज़ है वो तेज़ हो रही हैं, अब जल्दी जल्दी जो है वो टिकट्स अनाउंस करने पड़ेंगे पार्टी को, और नॉमिनेशन पेपर का सिलसिला जो है वो 20 से 22 दिसंबर के बीच में उसको होना है। और आई एम सॉरी, ये आवाज़ों को थोड़ा जो है वो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज़ मैं ऑफिस में हूँ, तो मैं ऑफिस में किसी को नहीं कह सकती कि भाई ये काम ना करें वो काम ना करें,
क्योंकि ऑफिस है ना, जो मैं बात कर रही थी वो ये है कि आज भावलपुर डिवीजन जो है वो मुकम्मल हो गया है, और अब जल्द अज जल्द जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड अपना काम कंप्लीट करेंगे ताकि जो टिकट्स हैं वो टाइमली अनाउंस की जा सकें, और पार्टी अब जो है वो बहुत जल्द स्केड्यूल जो है वो तैयार करेगी कि मियाँ साहब के, शहबाज साहब के, मैडम के, अमता साहब के जो है वो जलसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे होंगे, सबको जो है वो बांट के काम मिलेगा, क्योंकि कैंपेन बहुत बड़ी है, मुल्क बहुत बड़ा है माशाल्लाह हमारा, और उसके लिए हर एक को अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। इसके साथ जो जिस साजिश की मैं बात कर रही थी, जो उसने मुकर गया है, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से धुलाई हुई है पीटीआई की, और हाँ वो आपने देखी, एक बीबी नमूदार हुई है अचानक से, उस बीबी की बड़ी स्टोरियाँ सामने आ रही हैं। वो अब वो कहाँ की पढ़ी हुई है, इस्लामिया कॉलेज गालिबन उन्होंने लिखा, और वो भी कुछ बहुत ही हाइपर एक्टिव किस्म की खातून है। और मुझे एक इतफाक़ हुआ उनके साथ, एक मुझे नहीं पता था, मुझे किसी बहुत दिनों से ओवरसीज़ में कोई जो है वो चैनल था, वो मुझे बहुत अप्रोच कर रहे थे, सभी काजमी उनका नाम है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे, मैं आपके साथ जो है वो वन एंड वन जो है वो आपके साथ पॉडकास्ट करना है। तो मैंने आखिरकार उनको टाइम दे दिया, एक टाइम मेरे पास अवेलेबल था। जब मैं टाइम पे हम एंटर हुए तो सामने ये मिशाल बीबी से हमने बैठी थी, मैं इसको जानती नहीं थी ये कौन है। तो मुझे वैसे हैरत हुई कि आपने तो मुझे कहा था कि वन एंड वन है, मैं इस बच्ची को जानती नहीं हूँ, ये कौन बीबी है, इसका क्या नदूदरबा है, और आपने मेरे साथ इसको बिठा दिया। पर मैंने फिर भी उसको पी लिया, समटाइम्स आपको पीना पड़ता है, मैं पी गई इस बात को। और प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसमें ये जो खातून है, लड़की जो भी बुला है, ये मुझे बार बार ना, उम्र में बड़ी है आप मुझसे, मैंने कहा बिल्कुल बेटा, मैंने तो फिर बेटा कहा हाँ पूरे प्रोग्राम में, बेटा प्यारे बच्चे काकी चुन्नी सुन, बात सुन लो। अच्छा वो चाँ 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 चाँ, वो मेरी बात में भी बोल रही है, अपनी बात में भी बोल रही है। और उस प्रोग्राम में इतनी तबीयत साफ हुई प्रोग्राम के एंकर की भी और इस काकी चुन्नी बच्ची की भी, कि वो प्रोग्राम अपलोड ही नहीं हो सका, वो प्रोग्राम उन्होंने अपलोड नहीं किया। तो ये मैं उस बीबी को इतना जानती हूँ। उसके बाद इसने मेरा ख्याल है एक दो ट्वीट्स की मेरे बारे में, और मैंने उसको, मुझे नहीं पता था कि इसने क्या कहा, और ना मेरे पास इतना फजूल टाइम है कि मैं इसको देखूं। सो ये कल हीरोइन बनने चली गई काजी फैजी सर के सामने। काजी फैजी सर की ज़िंदगी में ना हीरोइनों की गुंजाइश नहीं है, वो डायरेक्ट ना सीधे चलने वाले आदमी हैं, तो वो ज़्यादा हीरोइन उसको पसंद नहीं करते, और उसने अपनी इज्जत अफजाई कराई। लेकिन सब लोग कह रहे हैं बड़ी बिस्ती हुई है, बड़ा फलाना हुआ, उस बेचारी का फ़ायदा हुआ है, उसको जानता कोई नहीं था पूरे मुल्क में। अब वो खातून हीरोइन बनी हुई है, उनके वालिद साहब जो है वो बड़े फ़ैन हैं इमरान खान के, बिल्कुल जो है वो हाजरा खान के वालिद साहब की तरह, और जो है वो उनकी काफ़ी, उनको जो है वो लोग वो पुराना जो है वो बहुत इस बात का क्रेडिट लेती हैं कि इमरान खान साहब सिर्फ जेल में उनको मिलने के लिए बुलाते हैं, तो अच्छी वकील होंगी, मुझे नहीं पता, जो उनको जो है बाकायदा तौर पर बुलाया जाता है इमरान खान साहब से मिलने के लिए, वो वाहिद वकील खातून है जो उनसे मिलती हैं। अब आ जाते हैं साजिश नंबर दो जो उनके खिलाफ हो रही है। अब आपने एक टीवी में आपने ये न्यूज़ देखी है कि पीटीआई जो है उसका एलानिया आया है अपनी कोर कमेटी का, और उन्होंने कहा है कि जी वो जो भी इदारों के खिलाफ जो चल रही है मुहिम, और बैरूने मुल्क बैठे हुए यूट्यूबर और जो व्लॉगर्स हैं उनसे पीटीआई का कोई लेना देना नहीं। वो नहीं होती वो लाने लातल की, जो आप कभी नाखल फौलाद के खिलाफ बारे में, कभी जो है वो किसी बारे में, जब आप अखबारों में आप पढ़ते हैं ना, ये लाने लातल की, तो लाने तालुक की, लाने तालुक की जो है वो कर दिया गया। अब लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कह रहे हमारा तल्लक नहीं है शहबाज गिल से, पीटीआई का तल्लक नहीं है, मोहित पीरजादा से ताल्लुक नहीं है, शाहीन सिबाई से ताल्लुक नहीं है, फिर आदिल राजा जो खुद इमरान खान को रिमोट कंट्रोल पर चलाया करता था उससे उनका ताल्लुक नहीं है, तो ये सारे बेचारे अब क्या करेंगे। एक्चुअली ये जो टोपी ड्रामा है, और फरहान वर्क ने जो है वो इसको क्लियरली एक्सपोज किया है, और ये बात शुरू हुई है सलमान अहमद, वो जो ये सिंगर थे, पता नहीं सिंगर भी नहीं थे, सिर्फ गिटारिस्ट थे, और उसके बाद वो इमरान खान के कितने एक बड़े टाइगर हैं ये आपको पता है, और ये सारे जो बाहर बैठ के लगे हुए ना इदारों को अवेलाइन करने के लिए, ये इमरान खान की ए टीम है, और लेकिन इनसे लाने ला तालुकी करके इनको लगता है कि इनके कारनामों पर पर्दापोशी कर दी जाएगी। अब ये जो फरहान विर्क जो है उसने चूंकि इनका पुराना भेदी है,
उसने आज एक वीडियो भी अपलोड की जिसमें उसने बताया कि असद उमर के खिलाफ जो है जब उसको हटाना था वजारत से साल अपने पहले साल के अंदर, और जब IMF का प्रोग्राम पे वो नहीं जा सका, हालात ख़राब हो रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, तो इमरान खान ने जो है वो उसको कुर्बानी का बकरा बनाया और फरहान विरक को उसकी टीम को जो है वो कहा कि बस पैजो, अब पता इनका बड़ा पट वर्ड होता पैजो, तो वो पै गए सारे। और एक दिन जो है दो दिन उनकी कराई, उसके बाद जो है वो जो ऑफिशियल जो उनका सोशल मीडिया था उसने कहना शुरू कर दिया, नहीं नहीं असद उमर कहीं नहीं जा रहे, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। फवाद चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, पर शाम को असद उमर से जो है वो इस्तीफ़ा ले लिया गया था। तो ये इतने बड़े झूठे मकार ड्रामेबाज हैं, ये ड्रामेबाजी जो है एक तरफ खुद करवा रहे हैं, इदारों के खिलाफ साजिशें करा रहे हैं, बाहर लॉबियस्ट फर्म्स, बाय द वे जो नवे चेयरमैन साहब आया उन्होंने नाते भी लॉबियस्ट फर्म हायर हो गई, उन्होंने वही बच्चों को पता भी नहीं होना, गौहर खान साहब साहब को, गौहर खान एक्ट्रेस हैं वैसे इंडिया में, तो उनको बेचारे को पता भी नहीं होना कि उसके नाम पे कंपनी रजिस्टर हो गई है। तो ये जो जो है ये गेमें करने की इस आदमी को पुरानी आदत है, और आजकल वेला जेल में बैठा हुआ साजिश ही बुनेगा ना, और वो क्या कर सकते हैं। फिर वो हमारे जो बड़े टाइगर थे जिनको बहुत इनकलाब आया हुआ था, शेर अफजल मरवत, वो लाहौर में पकड़े गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकलाब तो मरवत कबीले से भी चला हुआ था, इनकलाब जो है वो लाहौर के अंदर भी बहुत फिर रहा था, और इनकलाब जो है वो पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा हो गया था, डेडलाइंस दे दी गई थी, लेकिन वो इनकलाब की तरह राम ही रह गए, इनकलाब पहुँचे नहीं वहाँ, मतलब वो अंदर है शेर अफजल मरवत, ना उसकी अदालत ने सुनी है, ना इनकलाब बाहर निकल के आया है। ये बड़ी अजीब सी अस्टोरी है, लेकिन इस अस्टोरी के अंदर एक अस्टोरी पता क्या है, वो ये कि शेर अफजल मरवत साहब के पास जाहिर उनका टेलीफोन तो है नहीं, उनका ट्विटर अकाउंट जो है ना वो आजकल धड़ाधड़ बंदे ब्लॉक कर रहे, तो उसके ऊपर ज़रा हमने सोचा पता किया कि ज़रा पता कराओ कि शेर अफजल मरवत साहब का जो अकाउंट है वो किसके पास। तो मुझे नहीं पता, उड़ती उड़ती इतलात आई है कि वो सायरा मीर गलगित बल्तिती बल्तिस्ती या गिलगिती जो भी वो हैं, वो जो हमारी अच्छी वेट्रेस भी है वहाँ पे UK में, उनके साथ पहले भी इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था। जो शेर अफजल मरवत साहब है वो सिर्फ उन्हीं को रिप्लाई करते थे पूरे सोशल मीडिया के अंदर, और उन्हीं की तारीफें किया करते थे। तो अब पता नहीं PTI के लोग कह रहे हैं कि ये सायरा के पास है, सारा मीर के पास ये अकाउंट, और वो धड़ाधड़ जो है वो लोगों को अनफॉलो कर रही है। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी क्या स्टोरी है, ये मुझको तो नहीं पता। बल इनकलाब जो है ना वो चरा कारोबार ही नहीं निकल सका, जो रेड लाइन है वो भी पड़ी पड़ी नीली पीली हो गई है जेल के अंदर, और ये जो इनकलाब है ये आने से पहले कहीं ख़त्म हो गया। आज का ब्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज़।